सदर प्रखंड के पालमो पंचायत भवन में मुखिया के द्वारा शनिवार को शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पंचायत के लोगों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि होली को शांति रूप से मनाया जाना है और डीजे को कम वॉल्यूम में बजाना है। उन्होंने कहा कि कोई अश्लील गाना न बजाया जाएगा तथा पालमो पंचायत में 8 स्थानों पर मटका फोड़ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। पंचायत समिति सदस्य अनिल साहू ने कहा कि इस बार होली और सबे बारात एक ही दिन है, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर पर्व शांति रूप से मनाने का आग्रह किया गया। मौके पर धनेश्वर साहू, सुरेश राय, प्रमोद कुमार, आकाश कुमार, चेतलाल पंडित, राजेंद्र शाह आदि उपस्थित थे। दोनों त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य उपस्थित किया गया, हमारे पालमो पंचायत के सभी वार्ड सदस्यगण एवं गणमान्य लोग सभी उपस्थित हुए। इसमें मुख्य बातें ये थी कि होली स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, सभी रात को भी ध्यान में रखते हुए उन लोग से भी को बुलाया गया था। अंजुमन कमेटी से भी लोग आए थे, उन लोगों के साथ बात हुई और साथ ही साथ पंचायत की तरफ से सुझाव भी दिया गया कि यदि कहीं किसी भी प्रकार की घटने की संभावना होती है आती तो इसकी सूचना पालमो पंचायत के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ और एक अच्छे माहौल में दोनों त्यौहार मनाया जाए और इसी मेला का समारोह का आयोजन किया जाए। होली एवं सबेरात के शुभ अवसर पर आए हुए एवं पूरे पंचायतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा पंचायत आगे अच्छा से काम कर सके।